Good morning, all of you, and once again, I welcome you all in Monochromatic English School online classes. So today we are going to start our subject for general knowledge for class 7. All right. So मैंने कुछ इसमें जितने भी हमारे continents हैं, उन continents में जितने भी countries हैं, उन सभी countries के capital और उस country का currency, ये तीनों चीज मैंने इसमें डाल रखा है और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को इस फाइल का लिंक भी दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं इस वीडियो को, इस पूरे फाइल को एक बार पढ़ के समझा भी देता हूँ, सो दैट आपको परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है हमारे, वैसे पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो मैंने 6 कॉन्टिनेंट्स की पूरी कंट्रीज के नाम इसमें ऐड कर रखे हैं, कि जो 7वां कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वहाँ पे कोई कंट्रीज नहीं है। इसी वजह से वहाँ के उस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज का मैंने इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका, उसकी कंट्रीज है, उसके कैपिटल है। तो सबसे पहले जो नॉर्थ अमेरिका में आता है, एंटीगुआ एंड बारबुडा, उसका जो कैपिटल है सेंट जॉन्स है और करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। दूसरा कंट्री है बहामस, ये बहुत कॉमन नेम सुना होगा आपने, मैंने बहामस अगर हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखी होगी। उसका कैपिटल है नासू और उसका करेंसी है बहामियन डॉलर। नेक्स्ट है बारबुडास, उसका ब्रिज टाउन है और ब्रिज बारबिडियन डॉलर है। फिर बेलीजी, बेलोमोपन और बेलीजी डॉलर है। नेक्स्ट जो है वो कैनेडा, कैनेडा का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, ये भी एक नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और जिसकी कैपिटल है ओटावा और कैनेडियन डॉलर जो वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है कोस्टा राइस रिका, उसका जो कैपिटल है सैन जोस है। फिर क्यूबा है, मैं उन सभी इम्पोर्टेंट नाम लिख देता हूँ जो कि आप लोगों को याद होंगे। जमाइका एक बहुत ही फेमस कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आती है, जमाइकन्स जिसको बोले जाते हैं। तो जमाइका एक पार्ट है और उसकी कम जो कैपिटल है वो किंगस्टन है और जमाइकन डॉलर वहाँ का करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट मेक्सिको, मेक्सिको सिटी उसकी कैपिटल है और मेक्सिको पीसो वहाँ का करेंसी है। पनामा, पनामा एक बहुत ही फेमस नॉर्थ अमेरिका का शहर है और कंट्री भी आप उनसे बोल सकते हो। तो पनामा सिटी उसका कैपिटल है। उसी तरीके से सेंट लुका है, सेंट विंसेंट विंसेंट एंड ग्रेनवीज है। फिर ट्रिनार एंड टोबैगो है जिसका कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, कॉन्टिनेंट का, वो है वॉशिंगटन डीसी। तो यूनाइटेड स्टेट्स जिसको यूएसए भी बोला जाता है, और यूनाइटेड स्टेट्स किस कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है, तो नॉर्थ अमेरिका में। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का इसका करेंसी। अब आते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, तो ब्राजील आता है, चील आता है, कोलंबिया आता है, अर्जेंटीना आता है। तो अर्जेंटीना बहुत ही फेमस है फुटबॉल प्लेयर के, और अर्जेंटीना पीसो वहाँ की करेंसी है, बुसोनो एरीज जो है वहाँ का कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट है गुआना है, पेरू है, पेरू भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, कंट्रीज वाले। नेक्स्ट है वेनेजुएला, वेनेजुएला भी एक बहुत ही फेमस कंट्री है साउथ अमेरिका का, और कैरकास उसका वहाँ का कैपिटल है और वेनेजुएलियन बोलविलर होल वेयर वहाँ का करेंसी। अब आते हैं यूरोपियन कंट्रीज, जो बहुत बार आप लोग सुनते हैं यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से आती है वो नाम सुन लीजिए। तो सबसे पहला जो कंट्री आता है अल्बीना, एंडोरा है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बेल्जियम भी यूरोपियन कंट्रीज में आता है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, ये सारे कंट्रीज है जो आते हैं, बुल्गारिया है, क्रोस्टा है, सीजेट रिपब्लिक भी आता है, डेनमार्क बहुत ही फेमस नाम है, फिनलैंड, जो नोकिया कंपनी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, फिनलैंड कंट्री से, उसकी जो कैपिटल है हेलसिंकी है और यूरो वहाँ का करेंसी है। ध्यान रखिएगा फिनलैंड में ही हमारी नोकिया कंपनी का आज भी हेड ऑफिस है, अभी से शुरुआत भी हुई थी। फ्रांस एक कंट्री है, बहुत ही फेमस कंट्री है, सब लोग जानते होंगे, जर्मनी, जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन,
फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, और इसीलिए जो आईफिल टावर का नाम सुनते हो वो पेरिस में ही मिलता है। हाँ, इन तीनों कंट्रीज में, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों कंट्रीज में जो करेंसी चलती है वो यूरो करेंसी चलती है, ठीक है, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में इसका नाम नहीं रहता है। ग्रीस है, जो ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस। हंगरी, हंगरी बहुत ही फेमस है, उसका जो कैपिटल है बुदापेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। आइसलैंड, आयरलैंड और इटली, इटली जो बहुत ही फेमस कंट्री है वो रोम है, उसकी कैपिटल है वो रोम है, और इटली का जो करेंसी है वो यूरो है। उसी तरीके से बहुत सारे कंट्रीज हैं इसके अंदर में, आप यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 40 से 50 कंट्रीज हैं इसके अंदर में। स्वीडन, स्पेन जो बहुत ही फेमस प्लेयर है वहाँ का फुटबॉल प्लेयर, स्विट्जरलैंड जिसको वर्ल्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड उसकी कैपिटल है बर्न और स्विस फ्रैंक वहाँ का करेंसी है। यूक्रेन, उसी तरीके से ये 54 कंट्रीज है जो यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं। अब आते हैं हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में बात, एशिया कॉन्टिनेंट, उसमें कितनी कंट्रीज है ये सब आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, अफगानिस्तान, अर्मीनिया, अजरबैजान, बहरेन, बांग्लादेश, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसकी कैपिटल ढाका है, भूटान, थिम्पू उसका कैपिटल है, और कंबोडिया, चाइना, बीजिंग उसकी कैपिटल है, और रेनमिनबी और युआन इसको बोलते हैं उसकी करेंसी है वहाँ पे, साइप्रस, जॉर्जिया और इंडिया, ये तो फेमस है, इंडोनेशिया, जकार्ता, ईरान का तेहरान, इसराइल का जेरूसलम, जापान, टोक्यो जो शहर पे गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराया था अमेरिका ने, जॉर्डन, अमान, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, कोरिया, जो जिनपोंग जो उसका बोलते हैं, कोरिया में दो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है और नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग है, कुवैत है, लेबनान जो बेरूत जो कैपिटल है बहुत ही फेमस है वहाँ का, मलेशिया, कुआलालंपुर जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस से माना जाता है, मालदीव्स उसका जो कैपिटल है वो माले है, मालदीव्स में बहुत ही खूबसूरत बीचेस मिलते हैं जहाँ पे लोग बहुत लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं वहाँ पे लोग, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, काठमांडू, ओमान, नेपाल तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, हमारे बिहार से बिल्कुल सटा हुआ है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, फिलीपींस, मनीला, कतर, दोहा, रशिया भी हमारे एशिया कंटिनेंट में ही आता है, मॉस्को, सऊदी अरबिया, रियाद, सिंगापुर उसका कैपिटल ही सिंगापुर है, सिंगापुर डॉलर चलता है, श्रीलंका, तो श्री जयवर्धने कोटे और कोलंबो इनकी दो कैपिटल्स हैं, सीरिया जो अभी बहुत लड़ाई चल रही है सीरिया और अमेरिका के बीच में और रशिया के बीच में, थाईलैंड, बैंकॉक बहुत ही फेमस प्लेस है लोगों के घूमने जाने के लिए, टर्की, अंकारा, तो हमारे एशिया कंटिनेंट में 47 कंट्रीज आते हैं, ठीक है, और यूएई जिसको हम दुबई भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात्स भी बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, उसकी कैपिटल है अबू धाबी जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ताशकंद जहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हुआ था, ताशकंद समझौते में जो गए थे वो, यही वो प्लेस है, वियतनाम, हनोई, यमन, सनाज, ये हमारे कैपिटल हैं। अब हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो सेकेंड लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा, अल्जीरिया, अब आप कहेंगे कि सर आपने हमें इतना सारा क्यों लिखवा दिया, सो मैंने छः कॉन्टिनेंट्स की छः की छः कॉन्टिनेंट्स को मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, आप जितना इसमें से ज़्यादा याद कर सकते हैं वो याद करें। अब मैं तो कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट जो भी आपको कंट्रीज हो उनके कैपिटल और उनकी करेंसी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट की जो कैपिटल है वो कायरो है, इजिप्शियन पाउंड वहाँ चलता है, इथोपिया हुआ, घाना, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट है, और जो नेक्स्ट और लास्ट कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट को हम ओशियनियन भी बोलते हैं, उसको कॉन्टिनेंट को, उसका दो नाम है ऑस्ट्रेलिया
और ओशियानिया, एक्चुअली में रियल नाम भी ओशियाना ही कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ओशियानिया। उसमें सबसे पहले जो कंट्री आता है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ना, हम ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है कि मेलबर्न कैपिटल है, बट नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है और कैनबेरा है, ध्यान रख लेना, और है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी। फिजी बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा टापू है, वो कंट्री है, वो घूमने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा शहर है, उसका कैपिटल सुबा है और फिजी डॉलर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूजीलैंड, जो कि हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस होते रहते हैं न्यूजीलैंड से, उसकी कैपिटल है वेलिंगटन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, ये लास्ट कंट्री, 14 कंट्रीज इसके अंदर में आती हैं, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे आप इसमें से याद कर लें, और याद करके आप ऐसा करें एक एक कॉन्टिनेंट उठा लेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट को याद करेंगे, मैंने 6 कॉन्टिनेंट्स को आपको दे दिए हैं, तो ये आपका 6 दिन का वीडियो मैंने आपको एक ही बार में बना के दे दिया, सो आपको एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में और कितनी कंट्रीज हैं और जो इम्पोर्टेंट एक एक कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज, उनकी करेंसी और उनकी कैपिटल याद करके आप हमें वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।